हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो मैं अभी दिन के 3 बजे से व्लॉग बना रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी से मिलने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि मिल के आती हूँ। तो मैं मितांश और मितांश के पापा जा रहे हैं। और ये देखो दिल्ली का ट्रैफिक, कितना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो वेलकम टू नोएडा। तो हम नोएडा होते हुए जा रहे हैं और नोएडा में पहुंचते ही इतनी शांति सी लगती है ना, मतलब काफ़ी हरे भरे पेड़ हैं तो अच्छा लग। और अभी मितांश भी सो गया है। तो हम दीदी के गली के बाहर पहुंच चुके हैं। तो अक्सु के लिए ना चॉकलेट और चिप्स ले लिए हैं और अक्सु भी आ गई है भागते भागते मितांश को देख के। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और मितांश के घर पहुंचते ही पहला काम अक्सु का खिलौना छीलना। तो अभी शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं मार्केट दीदी और मैं। तो आज शनि बाज़ार भी लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और देखो चूड़े, इतने सुंदर सुंदर चूड़े थे ना, तो क्या बताऊँ, बहुत भीड़ थी। इसी वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं गए, पास से ही सामान लेके हम वापस घर आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। आज है संडे और हम जा रहे हैं पार्क, जो कि दीदी उनके घर से थोड़ा पास ही में पड़ता है। तो यहाँ का नाम है संजय झील। तो यहाँ हम जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो ये वाला पार्क ना दीदी उनके घर के पास ही था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखो मितांश और अक्सु कितने खुश हैं और मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई बहन। और यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत शांति और सुकून। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस पार्क की सबसे खूबसूरत जगह, जो कि इस पार्क में 4 चांद लगा देती है। तो ये है यहाँ की बहुत बड़ी झील और इसमें ना बहुत सारे बत्तख हैं, जो कि कुछ पानी में हैं कुछ बाहर हैं। और नहीं, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही बड़ी झील है और काफ़ी सुंदर भी है उसी के साथ। पानी क्या है बेटा, ये पानी कूदे पानी में, कूद रहे ना। क्या कर रहे हो? इस वाले पार्क में मैं दूसरी बार आई हूँ, एक बार मैं पहले आई थी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, लोग खेलते हैं क्रिकेट, बच्चों की फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मितांश को देखो, मितांश भी चले गया है झूलों की तरफ, तो अब उसे स्लाइड। तो मितांश ने एक दो बार खुद से किया और फिर उसे ना डरने लग गया, तो इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो बच्चों के साथ खेलने में ना तो अपना भी बचपन याद आ जाता है और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती करी। और यहाँ पे ना अभी तोड़ फोड़ भी कर दी लोगों ने, तब मैं आई थी तो यहाँ पे झूला भी था। अब तो मितांश ने आज पार्क में आके सारे स्टंट कर लिए हैं। और ये देखो, ये ना सीमेंट का कुछ इस तरीके से बनाया है जो कि देखने में लकड़ी लग रही है। तो मितांश यहाँ चढ़ के ऐसे खेल रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद भी घर से बाहर निकला है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा होके जैसे ना फौज में जाएगा, जो भी करेगा। तो मितांश भी यहाँ पे बहुत सारी मस्ती कर रहा है और आज पार्क ना खाली है। जब मैं पिछली बार आई थी तब यहाँ पे बहुत भीड़ थी और आ ही रखे हैं लोग, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत स्पेस है, तो अच्छा भी लग रहा है, सुकून लग रहा है। ठंडा ठंडा पेड़ों की वजह से ना बहुत अच्छा लग रहा है, छाया भी है बराबर। तो यहाँ पर लोग, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। ये वहाँ के पेड़ों पे ना फली से कुछ ऐसे लटके हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो अब मैं और जीजू खेल रहे हैं लॉन्ग जंप, तो देखते हैं कौन कितना कूदता है। तो ये मेरी बारी, और तो अब बारी है मितांश की। तो अभी ना मितांश भी हमको देखा देखी कूद रहा था, तो ये देखो दौड़ के आया और कूद रहा है। तो मितांश भी मस्ती कर रहा था, और अभी उसके ताऊ दौड़ेंगे, ताऊ की बारी आ गई है। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मितांश भी बहुत खुश था। तो जीजा साली कंपटीशन में साली जीत गई है, जीजा हार गए हैं। ये आ चुकी हैं हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, खस्ती कचौड़ियाँ। अब हम खाते हैं कचौड़ी। तो हमें खेलने के बाद भूख भी लग चुकी है, और अब हम खा रहे हैं कचौड़ी। तो बदरपुर के कचौड़ी के हिसाब से ये यहाँ की कचौड़ी ना काफ़ी बड़ी हुई थी, और वहाँ के आलू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाई थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। कौन जी रहे, जाग रहे, जैसे छिलना रहे और हम खाना रहे। तो अभी हम घर को जा रहे हैं, और मितांश भी सो गया है और थक भी गए हम। अब घर को जाते हैं, घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।